हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूं। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास Redmi Note 7 Pro का पीस है। इसमें लॉक लग चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। जिसने मुझे दिया है उसको लॉक वो भूल चुका है, उसको पता नहीं चल रहा है। इसलिए आज हम लोग इसको हार्ड रीसेट पे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे स्विच ऑफ कर लेते हैं। पावर ऑफ करना है, ठीक है। ये बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो वॉल्यूम अप का बटन है और ये पावर की है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है। फिर पावर की को छोड़ देना और वॉल्यूम अप के बटन को पकड़े रहना है। उसके बाद देखेंगे आप, ये मोड आ जाएगा। उसके बाद हमें वॉल्यूम डाउन बटन से वेब डेटा पे जाना है और अपना पावर बटन को प्रेस करना है। फिर यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे लिखा है वेब, ऑल डेटा लिखा है यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखा सकता। देखिए यहाँ पे लिखा वेब ऑल डेटा लिखा है, तो वहाँ पे हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कंफर्म करना है, तो हमें नीचे आना है और क्लिक कर देना। देखिए दोस्तों, डेटा वेब सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब हमें फिर से करना है एक बार और। देखिए अब यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है, रिबूट का ऑप्शन है दोस्तों, उस पर हमको टैप कर देना है। और हमें फिर रिडूम, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, रिबूट टू सिस्टम लिखा है, इस पर एक बार क्लिक करना। अब ये पूरा, अगर इसमें पैटर्न लॉक हो, फेस लॉक हो या कोई पासवर्ड हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरह से इसको करके आप इसका हार्ड रीसेट करके मोबाइल को न्यू तरीके से खोल सकते हैं दोस्तों। देखिए अब ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं पूरा मैंने इसका हार्ड रीसेट कर दिया दोस्तों। तो जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ऐसे न्यू आइडियाज मैं लाते रहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बाय बाय दोस्तों।